Guys, stop. We really need to talk. Talk about asthma. एक कंडीशन जो अगर आपको है तो आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ 3.5 करोड़ से ज्यादा इंडियंस हैं। जिसका सही और बेस्ट ट्रीटमेंट है इनहेलर्स, जो सीधा लंग्स पे असर करते हैं। एंड दैट्स व्हाई दुनिया भर के डॉक्टर्स इनहेलर्स रेकमेंड करते हैं। क्या इनहेलर क्या होता है नहीं पता? ऑब्वियसली, क्योंकि कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। तो राधिका, तुम क्यों बात कर रही हो? तुम्हें तो एस्थमा नहीं है। तो क्या परवाह तो है तुम्हारी और आपकी भी। आई केयर अबाउट यू, सो लिसन अप। इनहेलर्स कोई भी एस्थमेटिक यूज कर सकता है, वेदर यू आर अ शेफ, एन एथलीट, अनएम्प्लॉयड, अ किड। वेट, अडल्ट्स के लिए तो ठीक है, पर इनहेलर्स फॉर बच्चों? क्या बच्चों के लिए इनहेलर्स सूटेबल है? एक्चुअली एस्थमा के जो वर्ल्ड वाइड अथॉरिटीज है वो कहते हैं कि इनहेलर्स हर उम्र के एस्थमेटिक्स के लिए सही है। और ये भी कहते हैं कि एस्थमा जितना भी हो, कम या ज्यादा, एस्थमा के लिए इनहेलर्स हैं सही। मैंने तो सुना है लोग एस्थमा मैनेज करने के लिए गोलियां भी लेते हैं। इनहेलर यूज करने से पहले मैं भी लाखों एस्थमेटिक्स की तरह टैबलेट्स लेता था, बट देन आई फाउंड आउट गोलियां लेने से साइड इफेक्ट्स के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि गोलियों में 20 गुना ज्यादा डोज होता है। अगर आपको एस्थमा है तो कोई और ऑप्शन क्यों, जब एक ही सही और बेस्ट तरीका है? एस्थमा के लिए इनहेलर्स है सही, लेकिन स्वाद अनुसार, एज रेकमेंडेड बाय योर डॉक्टर। मैं तो सुबह इनहेलर लेने से पहले अपना ब्रेकफास्ट तक नहीं करता। ये सब सुनकर आपको क्या लगा कि हम लोगों को इनहेलर्स लेने की आदत लग गई है? इसकी आदत लगती नहीं, डाली जाती है डॉक्टर के कहने पर। आप ये सोचिए, क्या रोज ब्रश करना एक एडिक्शन है? क्या रोज एक्सरसाइज करना एक एडिक्शन है? ये सब सिर्फ गुड हैबिट्स हैं गाइस, लाइक रोज अपना इनहेलर यूज करना। जब इनहेलर लेना शुरू किया तब लोग कहने लगे, ये चुप चुप के इनहेलर लेना, लोग क्या कहेंगे? ओए स्वीटी दे मम्मी दे बाउजनों की लगता है, ओ दे नाल तन्नो की फर्क पैंदा है। लोगों की नहीं, अपने डॉक्टर की सुनिए। मैंने ऐसे बहुत एस्थमेटिक्स को देखा है जो इनहेलर लेने से मना कर देते हैं। पता है क्यों? टू वर्ड्स, सोशल स्टिग्मा। स्टिग्मा, अगर अर्जुना अवार्ड और कॉमनवेल्थ गोल्ड जीतने वाले बैडमिंटन चैंपियन, 6 बार मिशेलिन स्टार जीतने वाले शेफ और सोशल मीडिया के सुपरस्टार इनहेलर्स खुल के अपनाते हैं, तो स्टिग्मा किस बात का है भाई? अब हमें जो बोलना था हमने बोल दिया, अब आपकी बारी एस्थमा के लिए। बस समझ गए ना, इनहेलर्स है सही। That's right. और सिर्फ हमारी ही नहीं, डॉक्टर्स की मानिए और जिए बेरोग जिंदगी।